गर्मी लगी है। हम भक्ति तो करें परंतु भक्ति का भी अभिमान ना हो। एक बात याद रखें, अभिमानी का कोई मित्र नहीं होता, अहंकारी व्यक्ति का कोई अपना नहीं होता, वह अकेला ही होता है। और निराभिमानी व्यक्ति का हर कोई अपना होता है, हर कोई। जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी हो, कितना ऊंचा से ऊंचा पद पर क्यों ना पहुंच जाए, परंतु यदि अभिमान आ गया तो वह उसका पतन निश्चित है। क्योंकि साक्षात श्री हरि हरि भगव ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च। नारद भक्ति सूत्र में भगवान के बारे में कहा कि भगवान को किसी से भी द्वेष है वह एकमात्र है अभिमान। अभिमान का द्वेष है, अभिमान के साथ वो बैठ नहीं सकते। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहां से आए, और जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहां से आए। मन में यदि अभिमान होगा तो भगवान नहीं आए। अभिमान से शून्य साधक का हृदय होना चाहिए। बड़े बड़े चाहे विश्वामित्र मुनि हो, चाहे दुर्वासा मुनि हो, अहंकार नहीं रहा। भगवान ने तरह तरह के उपाय करके उसके अहंकार को समाप्त किया। दुर्वासा ऋषि का अभिमान अम्बरीश के घर में आने के बाद अभिमान समाप्त करा। दुर्वासा जी को समझ में आ गया कि अभिमान नहीं चलता। क्रोध अलग चीज है, प्रेम में भी क्रोध होता है, लेकिन यदि अभिमान कर लिया, दर्प कर लिया, घमंड कर लिया, तो वह आपका रोध आपके क्रोध को सहने वाला व्यक्ति भी आपसे अलग हो जाएगा। याद रखना, यदि अभिमान नहीं है, क्रोध तो आने और जाने वाला है, क्रोध स्थायी स्वभाव नहीं है, लेकिन अभिमान स्थायी होता है। अभिमान आपके अंदर यदि प्रवेश कर लिया तो वो जल्दी जाता नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा आपको। क्रोध का तो पता सबको चलता है कि क्रोध आ गया था भाई, 2 मिनट के लिए आया था, सबको चल गया, खुद को पता चल गया। अभिमान को तो पता ही नहीं चलता कि आया कब है, वो कैसा, उसका स्वरूप क्या है। पता चले तो आप उसका इलाज कर पाएंगे ना। अभिमान का पता नहीं चलने देता। नारद जी को अभिमान आया, भगवान ने उसको भी इलाज करके समूल समाप्त किया। जितने भी भगवान के भक्त हुए, जिनको उन्होंने अपनाया, पहले उनके अभिमान को दूर करके उनका हृदय को, उनके हृदय को स्वच्छ किया। एक बात और, चाहे बड़े से बड़े ऋषि क्यों ना हो, भगवान की जो लीला होती है ना, वो लीला कोई भी निरर्थक नहीं होती, सभी लीला सार्थक होती है। और कुछ नहीं होगा उद्देश्य तो अपने भक्तों को संदेश तो उसका उद्देश्य होता ही है। हाँ, भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवे। भगवान जो है भक्तों पर अनुग्रह करके, अनुग्रहाय भूतानां
मानुषिं तनुमाश्रितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान भक्तों पर अनुग्रह करके मनुष्य का शरीर धारण करते हैं और वही लीला करते हैं जिस लीला को सुन सुन के भगवान में प्रेम बढ़े, भगवान में मन लगे। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला देखें आप, किसी को मार धार पसंद है तो भगवान आते हैं कि युद्ध भी करते ही है। के रूप में आए, चाहे श्री राम के रूप में आए, चाहे श्री कृष्ण के रूप में आए, युद्ध करके आपको मार धार वाली लीला, ट्रेजडी वाली लीला कर देते हैं। किसी को भक्ति पसंद है तो भगवान ने नवधा भक्ति का गायन कर दिया और श्री कृष्ण अवतार में भी अनेकों भक्तों को भक्ति सिखाई कृपा करके। किसी को ब्रह्म ज्ञान पसंद है तो भगवान श्री राम मुनियों के आश्रम में, सकल मुनि के आश्रम नहीं जाए जाए सुखदिन में, वहाँ जाकर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं, वो लीला भी है। बच्चों को खेल पसंद है तो भगवान बाल लीला में तरह तरह के खेल करते हैं ताकि हर उम्र का व्यक्ति भगवान की लीला से जुड़ सके, कुछ प्रेरणा ले सके, शिक्षा ले सके। कि बाल लीला हो तो भगवान की लीला जैसी है। हाँ, युवान हो तो भगवान के युवान अवस्था देख लीजिए, उससे प्रेरणा मिले। वृद्धावस्था में भी, अंतिम अवस्था में भी परिवार के हर एक सदस्य की क्या भूमिका होनी चाहिए, भगवान की लीला से शिक्षा मिलती है। महर्षि अत्रि, अत्रि के पुत्र हैं दुर्वासा मुनि। नाम तो सुना होगा, दुर्वासा क्यों नाम पड़ा? दुर्वा जो दूब है ना, दुर्वा अशन, दुर्वा ही अशन है जिसका, अशन ही भक्षण, दुर्वा का रस पी के बहुत दिन तक तपते हैं, इसलिए तब से नाम पड़ गया इनका दुर्वासा। दुर्वासा सुन करके आदमी को लगता है कि आदमी जो है दुर्वासा, दुर्वासा रूप मतलब क्रोधातिशय का रूप। जैसे रुद्र नाम सुन करके लगता है, दुर्वासा उससे भी ज्यादा लगता है क्योंकि उन्होंने ऐसी भूमिका कर दी जीवन में। भगवान शिव का रुद्र का ही अवतार है दुर्वासा। अत्रि मुनि ने तप किया था और मन में ये भाव था कि जो जगत के ब्रह्म है, जगत के निर्माता, पालन करता, उपसंहर्ता, सब कुछ है करता धरता, वे प्रभु हमें हमारे यहाँ पुत्र के रूप में आ रहे और ऐसे ही चिंतन कर रहे थे। सहसा तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश पधार गए आश्रम में। कहा कि आप तीनों कौन? कहा कि आपने जिसको याद किया, मैं तो सोच रहा था कि आप एक होंगे। बोले हम तीनों एक ही हैं, तीनों ठीक है, हम तीनों ही आपके पुत्र बनना चाहते हैं। और तीनों पुत्र के रूप में आए श्री हरि के अंशावतार भगवान दत्तात्रेय कहलाए और ब्रह्मा जी के अवतार चंद्रमा और शिव के अवतार दुर्वासा, रुद्र के अवतार दुर्वासा के रूप में। और एक बार की बात है, ऋषि दुर्वासा सब जगह भ्रमण कर रहे और ये कहते थे कि कोई मुझे अपने यहाँ रहने देगा कि नहीं देगा, मतलब कोई रहने के लिए स्थान मिल जाए। स्वयं की कुटिया नहीं बनाई,
सब जगह जाए। और बोले हाँ मुझे वही रखेगा जो मेरे अहंकार मेरे क्रोध को जागृत ना होने दे, क्योंकि मैं क्रोधित होता हूं तो मैं तुरंत श्राप देता हूं। जो इस चीज को समझ सके मुझे क्रोध ना आए वो मुझे रखे, क्योंकि सब जानते थे दुर्वासा के स्वभाव को, तो दुर्वासा जी को कोई रखे ही ना। बेचारे यहां घूमे वहां घूमे इस लोग से उस लोग धाम धाम जाए लेकिन कोई रहने के लिए, बस हाँ यदि द्वार पर आ जाए तो खूब स्वागत सत्कार करे पानी पिलाए भोजन कराए लेकिन कोई रहने के लिए ना कहे, क्योंकि उनको पता था। अरे दुर्वासा जी स्वयं कह भी दे कि हम आजकल यात्रा में निकले हैं कहीं कोई स्थान मिल जाएगा तो रह लेंगे, तो डर के मारे को कहे नहीं गुरु जी यहाँ स्थान है। ठीक है तो कहीं जब जगह नहीं मिली तो द्वारिका पहुंच गए, भगवान श्री कृष्ण का धाम है द्वारिका। अब द्वारिका में तो स्थान देना ही पड़ेगा क्योंकि भगवान का धाम है, भगवान के धाम में भक्त को जगह नहीं मिलेगी तो फिर किसको मिलेगी। अब वहां नहीं भी गए तो जबरदस्ती भी रह सकते हैं, भगवान की हिम्मत नहीं कि निकाल दे दुर्वासा जी को, भगवान नहीं निकाल सकते। ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, लेकिन ईश्वर किसी को अपनी राजधानी से बाहर नहीं कर सकता, ये उसकी क्षमता से परे। मैं अपनी दुनिया में तुम्हें रहने दूंगा नहीं कर सकता, अपने जैसा दूसरा बना दे नहीं। ये ईश्वर नहीं कर सकता। दुर्वासा जी पधारे, दुर्वासा जी पधारे कहाँ, द्वारिका। द्वारिका में भगवान को पता चला कि दुर्वासा जी यहाँ रहना चाहते हैं, रुक्मिणी मैया से सलाह किया, रुक्मिणी बाई से क्या करें रख लेते हैं ताकि आप उनके क्रोध को जानते हैं। बोले हाँ जानते तो हैं लेकिन फिर भी रखना तो पड़ेगा, ऋषि की आज इच्छा है तो उनको मना भी नहीं कर सकते। और एक बात है, दुर्वासा जी जहाँ रहे उसका तो कल्याण हो जाएगा, हम गृहस्थ हैं और दुर्वासा ऋषि हैं। एक ऋषि पधारे गृहस्थ के आंगन में, ये साम संस्मरणार पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। जिसके केवल स्मरण करने मात्र से गृहस्थों का आंगन पावन हो जाता है, वो यदि पधारे उनके चरणों का स्पर्श मिले उनकी सेवा का सौभाग्य मिले फिर तो करना ही क्या। दुर्वासा आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग सेवा करेंगे। दुर्वासा ऋषि आए और द्वारिका में उनको सुंदर सा स्थान रहने के लिए दे दिया और उनके अनुकूल सेवक सेवा में लगा दिया कि किसी भी प्रकार से इनको क्रोध नहीं आना चाहिए, नहीं तो एक मिनट में भस्म कर देंगे। अब यहाँ रहने लगे द्वारिका में, लेकिन लीला विचित्र है। कभी रात में जग जाते तो सेवक उनके आगे पूछे, अरे ज्यादा सेवक नहीं जाओ उधर, तो डर के मारे फिर चले भी जाते, दूर खड़े रहते लेकिन सुनते रहते क्या आज्ञा हो जाए। कभी भोजन बहुत सारा भोजन कर लेते तो उसके हिसाब से ज्यादा बन जाता है लेकिन भोजन ही नहीं करते, सब भोजन बर्बाद हो जाता। आए दिन शिकायत करते भगवान से, प्रभु क्या कर रहे हैं भोजन, एक ही दिन इतना खा लेंगे दूसरे दिन खाएंगे ही नहीं, बर्बाद हो जाता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अपने घर में लक्ष्मी है खिलाने दे, कोई बात नहीं, मना नहीं करना कभी।
बच जाए तो तुम लोग खा लेना, उनको मना मत करना करो। हजारों मूर्तियों का भोजन अकेली खा जाए करो। कभी एक बालक की तरह थोड़ा सा खाकर रह जाए, कभी दिन में ही बाहर निकल जाते तो शाम तक भी घर नहीं, देर से आते, भोजन रखा रह जाता। कभी आधी रात को भोजन मांगते, भोजन लाओ, तो सेवक दौड़ दौड़ करके प्रयास करते कहाँ भोजन रखा है, कहाँ भोजन रखा है, फिर व्यवस्था करते। एक दिन इन्होंने अपने ठहरने की जो कुटिया बनाई थी भगवान ने, उसमें आग लगा दी, सब कुछ जल करके राख हो गई। और दौड़े दौड़े श्री कृष्ण के पास आए, आकर कहा मैं अभी अभी खीर खाना चाहता हूँ। तो सब जानते कि घर में आग लगा करके आए, सब जला दिया है, उधर उसका ध्यान तक नहीं। अब कौन देगा आपने आग क्यों लगाई है, इसके कहा कि मुझे अभी खीर खाना है। एकदम बाल स्वभाव, माता रुक्मिणी की इशारा किया, रुक्मिणी माता दौड़ कर गई, तुरंत खीर की व्यवस्था की, खीर लाते और थोड़ा सा थोड़ी सी खीर खाई है भगवान दुर्वासा ऋषि ने, थोड़ी सी खीर खाई और छोड़ दिया। और कहा कि श्री कृष्ण से कहा कि अब इसे तुम खाओ। श्री कृष्ण खाने लगे, बोले खाना नहीं, इसको अपने बदन में लगाओ, अपने शरीर में लेपन करो। श्री कृष्ण डर के मारे वो भी करने लगे, शरीर में लगाने लगे। कहा कि रुक्मिणी को भी लगाओ, अब तो रुक्मिणी को भी लगाने लगे। अच्छा, सारे अंग को पोत लिया, उनको भी पोत दिया। अब कहा कि ऐसा है मुझे घूमने की इच्छा है, चलिए गुरुदेव अभी रथ ले आते। रथ ले आए, गुरुदेव बैठे, घोड़ा लगा, खुद बैठे नहीं, घोड़े पर तो सब घूमते, हमको अलग घूमना है, तुम रथ घोड़े की जगह तुम लगो। अब वह सहनशीलता की भी एक सीमा होती, द्वारिकाधीश श्री श्री एक प्रात अखिलेश्वर अकारण करुणा वंदालय परमात्मा श्री कृष्ण है, सब जानते हैं, साक्षात भगवान है, और उनको कहा जा रहा है तुम घोड़े की जगह लगो। जी बोलिए, रुकुनी को भी लगाओ, उसको भी लगा दिया। चलो, हाथ में चाबुक ले लिया, चलो और तेज चलो, और तेज चलो, चलते रहे चलते रहे। रुक्मिणी भाई थक, माता रुक्मिणी परेशान थक गई, हिम्मत नहीं है प्रतिकार करने की, हिम्मत साहस नहीं है, मना कर दे नहीं। और आखिरकार वो गिर पड़े। दुर्वासा जी जब वो गिर पड़ी तो दुर्वासा जी उतरे और भागने लगे, तो भगवान उनके पीछे पीछे, प्रभु मान जाइए मान जाइए, क्रोध मत करिए, हमसे क्या गलती होगी मुझे बताइए कैसे। तब रुके, रुकने के बाद बड़े खुश हुए, बोले कृष्ण तुम क्रोध जयी हो वास्तव में, तुमने आज ऐसा काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता, हमने बहुत कोशिश किया तुम्हें क्रोधित करने का, हमें कोई थोड़ी सी कोशिश करके दिखा दे, हमने क्रोध को नहीं जीता, आपने क्रोध को जीत लिया। वास्तव में योगेश्वर तो आप हैं, भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहा, ये है योगी। क्रोध से वरदान दिया है श्री कृष्ण, तुमने जो खीर बदन में लेपन किया ना, तुम्हारा ये पूरा शरीर बदन वज्र का हो गया है, कोई
अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन तुमने अपने तलवे में नहीं लगाया, पैर की तलाती में। क्या गुरुदेव आपका प्रसाद था पैरों से स्पर्श कैसे कराता? बोले हाँ, लेकिन वो स्थान कमजोर हो गया। भगवान श्री कृष्ण की जब मृत्यु हुई थी, शरीर जब छूटा था, तो वही पैरों में ही बांध लगाया। वैसे युद्ध मैदान में कुरुक्षेत्र में कितने अस्त्र लगे, शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उनकी लीला में भी कृपा रहती है। रुक्मिणी माता से कहा, आपकी कांति कभी मलिन नहीं होगी, अंग कांति हमेशा बली रहेगी, आपको बुढ़ापा स्पर्श नहीं करेगा। और इतना कहर मह के महर्षि अंतर्धान हो गए। भगवान श्री कृष्ण जब लौट कर रुक्मिणी माता जी के साथ में घर आए, तो देखा कि जो कुटिया में सब कुछ जल गया था, वो सब कुछ सुरक्षित दस का दस एक लीला है, महापुरुषों की लीला। उनके साथ हजारों ऋषि रहते थे। और दुर्वासा जी के बारे में सब जानते हैं। इंद्र ने एक बार दुर्वासा जी का तिरस्कार कर दिया था, मालूम है ना? वो बात ये थी कि दुर्वासा जी आए भगवान के धाम से, भगवान के धाम से आए और भगवान ने माला दे दिया था दुर्वासा जी को कि लीजिए, दुर्वासा जी पहने। माला की विशेषता बहुत थी। क्या थी? जो इस माला को पहनेगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। जो इस माला को पहनेगा उसके सारे दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे, जो बोलेगा वो सत्य होगा। बहुत सारी बातें, वो माला कभी कुमराएगी नहीं। तो चले आ रहे थे वैकुंठ धाम से, लेकिन घंटों निकल गए। मन में आया कि देख रहा हूँ, जब से मैंने माला पहनी है गले में, तब से मैं भगवान को ही भूल गया, खाली माला को ही जप रहा हूँ, माला का ही स्मरण हो रहा है। तो भगवान को भूल करके माला का स्मरण करना तो साधु के लिए ठीक नहीं। ऐसा कोई पदार्थ साधु के पास नहीं होना चाहिए जो भगवान को भुला दे। दुर्वासा ने कहा कि किसी को दे देता हूँ। तभी इंद्र दिखाई दिया, इंद्र को माला पहनाई। इंद्र को लगा कि अरे ये तो मृत्यु लोक का आदमी है, मनुष्य लोक का आदमी है, उम्र में भी हमसे छोटे ही होंगे, लेकिन उन्होंने अपने पहनी हुई गले की माला मुझे पहना दी। इंद्र को अभिमान था कि मैं स्वर्गाधिपति हूं, त्रिविष्टक मेरी राजधानी है, सारे देवता ऋषिगण महर्षिगण सप्तऋषिगण दिक्पाल क्षेत्रपाल लोकपाल सब मेरे अधीन है, ऋतु मेरे अधीन है, और ये सामान्य आदमी मुझे अपने पहने में माला पहना दिया। लेकिन प्रतिकार करने की हिम्मत उसे भी नहीं हुई। जब दुर्वासा जी थोड़ा आगे चले गए, तो उतार करके हाथी के ऊपर रख दिया वो माला, और हाथी ने उस माला को पैरों में रौन दिया, कुचल दिया। थोड़ी देर के बाद दुर्वासा ने सोचा कि देखें इंद्र के गले में ये माला लगती कैसी है। उलट के जब देखा तो तब तक हाथी उसको मसल रहा था। अरे इंद्र अभिमानी है, तुझे मद है, ऐश्वर्य का अहंकार है, जाओ तेरा श्री नष्ट हो जाए, श्री विहीन हो गया, पूरा स्वर्ग तुझे स्वर्ग का अहंकार, पूरा स्वर्ग श्री विहीन हो गया, कहीं भी ऊर्जा कहीं भी ओज नहीं रहा, कहीं तेज नहीं रहा, सब कुछ तेज विहीन हो गया, तेज से शून्य स्वर्ग देखने लायक नहीं रहा, एक दूसरे का चेहरा देखने लायक नहीं रहा, सारे आभूषण सोने चांदी सब के सब समुद्र में चले गए।
परिणाम यहां तक कि माता लक्ष्मी भी, वो भी तो स्वर्ग में थी, वो भी चली गई समुद्र। बड़ी विचित्र प्रश्न। भगवान ने सब देवताओं से कहा, आप लोगों ने बड़ी सुन, अब जाइए पुरुषार्थ करिए। फिर से सागर मंथन हुआ, बहुत बड़ी लीला हुई। तो ऋषि दुर्वासा की बात क्या कहें आप? एक रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कबंध का, कबंध। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण अरण्य कांड में पधारे तो कबंध आया। कबंध ने अपने हाथों में दोनों भाइयों को पकड़ लिया, खींच लिया। बड़ा आश्चर्य लगा, ये हाथ किसके भाई, ऐसे हाथ? कुछ समझ में जब नहीं आया तो लक्ष्मण ने उनके दोनों हाथ काट दिए, कर्तन कर दिया। वह रोने लगा, था तो बड़ा असुर। उसने कहा कि ठहरो, तुम दोनों कोई अवतारी पुरुष मालूम पड़ते हो, जाने से पहले मेरा कल्याण कर दो, मेरा संस्कार कर दो, मेरी मुक्ति हो जाएगी, मुझे मार दो, जान से मार दो और मेरा संस्कार कर दो, किसी गड्ढे में रखकर दाह संस्कार कर। राम भगवान ने पूछा कि एक बात बताओ, पहले तुम हो कौन, तुम्हारा असली परिचय क्या है, तुम्हारा यह स्वरूप कैसा है? दरअसल में उसका जो स्वरूप था, ये जो मस्तक है खोपड़ी, ये शरीर के भीतर धस गई, ये मस्तक और ये आंखें यहां आ गई छाती, यहां से वो देखता, मरा नहीं था। दरअसल में तब उसने अपनी कहानी बताई कि मैं कभी गंधर्व राज था, स्वर्ग में मैं गंधर्वों को शिक्षण प्रशिक्षण देता था, मेरा बड़ा उच्च स्थान था, इंद्र के सभागार में सर्वश्रेष्ठ स्थान मुझे मिलता था, सर्वश्रेष्ठ सभी देवताओं में, यहां तक कि सभी देवताओं मुझे उच्च स्थान मिलता था, मैं बैठता और वहां पर एक दिन की बात है, दुर्वासा पधारी, दुर्वासा के आगमन से सब के सब उठकर खड़े हो गए, मुझे भी उठकर खड़ा होना पड़ा। अब प्रश्न तो ये था कि दुर्वासा को बैठने के लिए स्थान कौन सा दिया गया। अब इंद्र अपने स्थान में तो बैठा ही नहीं, कोई अलग स्थान में बैठाना था, अलग में सर्वश्रेष्ठ स्थान तो मेरा ही था। इंद्र ने सहसा मुझे बैठने के लिए कहा और मेरे ही आसन पर दुर्वासा को बैठा दिया। मेरे बैठने के लिए कोई स्थान तक नहीं रहा, तो क्या मैं नीचे बैठता, मैं साइड तो वहां से चला गया, दूर चला गया, लेकिन मुझे दुर्वासा के प्रति बहुत द्वेष जगा कि देखो ये मनुष्य लोक का, मृत्यु लोक से आया हुआ एक मानव, उसके स्वागत के लिए मुझे उठा दिया आसन से, उसको बिठाने के लिए मुझे बेदखल कर दिया आसन से। वह द्वेष करने लगा, दुर्वासा को गालियां पर गालियां देने लगा, इसकी क्या औकात है, मृत्यु लोक से आया हुआ प्राणी है, हमारे सामने इसकी क्या प्रतिष्ठा है, क्या इज्जत है, हमने जो जाना है, हमने जो किया है तब किया है, भले इन्होंने तब किया हो लेकिन अभी तो मनुष्य है, अभी इसका वो स्थान कैसे हो गया, अभी इसकी ये दर्जा कैसे इसको दी गई, इसको हटाया जाए। और वो दुर्वासा को गालियां पर गालियां देने लगा,
दुर्वासा ने कहा, इंद्र तू देखता क्या है, तेरे सामने मेरी मेरा अपमान कर रहा, मुझे गालियां दे रहा है, इसकी इतनी हिम्मत? तो कहे तो मैं तेरा स्वर्ग को जलाकर खाक कर दूं, अभी तेरा स्वर्ग अभी मिट्टी में मिला दूंगा, जल्दी से इसको दंड दे। इंद्र ने इशारा किया चुप हो जा, फिर तो इंद्र से उलझ गए। आखिरकार इंद्र ने वज्र से उसको ऐसा मारा कि उसकी जो मस्तक था ना माथा, वो धज कबंध, कबंध कहते हैं बॉडी को, जो शरीर है इस शरीर को ही कबंध कहते हैं। इस शरीर में केवल कबंध कबंध रह गया, शरीर ही रह गया, मस्तक रहा ही नहीं, वही आंखें धस के यहां आ गई और यहां से वो देखता। अब वो बड़ा दुखी हुआ, मैं कैसे जीऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, कैसे अपना आहार ग्रहण करूंगा। इंद्र ने कहा कि तुम यहां नहीं रहोगे, तुम नीचे जाओगे, धरती पर जाओगे, तुमने मनुष्य का अपमान किया है। अरे कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, कहीं भी जन्म ले, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें किसने अधिकार दिया किसी को छोटा कहने का, किसी को नीचा कहने का। तुम्हें अधिकार किसने दिया? और आखिरकार तो उसने आखिरकार क्या कहा, जाओ तुम अपने हाथ से ही एक जगह बैठे बैठे तुम अपना आहार ग्रहण करोगे। तो वही कबंध दंडक वन में बैठा हुआ था एक पहाड़ के तलाटी में, वहीं से हाथ लंबा करता और लंबे हाथों से पकड़ लेता जीव पशुओं आदियों को, पकड़ लेता मनुष्य को, पकड़ लेता उसी को खा लेता। उसने राम, भगवान श्री राम को, लक्ष्मण को भी पकड़ा था खाने के लिए, आज लक्ष्मण ने उसके हाथ ही काट दिए। ये पूरी घटना सुनने के बाद भगवान श्री राम ने कहा था कि देखो कुछ भी हो मोहि न सुहाय वित्र कुल जोग, ऋषियों से संतों से विप्रों से द्रोह करना मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, वह पूज्य है, वह आदरणीय है, उन्होंने तप किया है, तपस्वी सदा आदरणीय है। तप का जो बल होता है, तपोबल जो होता है, वह राजबल से, तन बल से, धन बल से, समस्त बल से श्रेष्ठ है, महान है। इसलिए तपोबल का प्रतिकार मुझे पसंद नहीं है, अब तुम कम से कम इस समय उस द्वेष का त्याग करो, अब ये मन में द्वेष मत रखो। कहा पूजिए विप्रशील गुण हीना, शुद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। विप्र किसे कहते हैं? वेद पाठी भवे विप्र, वेद पाठी, क्योंकि उसके अंग अंग में वेद, रोम रोम में वेद रास्ता है, वह पूजनीय आदरणीय। और आचरण यदि कहे, आचरण यदि उसका श्रेष्ठ नहीं है, शील आदि गुण आदि उसमें ना भी है, तो भी यदि वेद को धारण कर लिया है तो भी वो आदरणीय है, पूजनीय, निंदनीय नहीं है कथन। और ये जो चौपाई है अक्सर विवाद में रहती है, रामचरितमानस की दो चौपाई, एक तो वो ढोल गवार शुद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, दूसरा है पूजी विप्रशील गुणहीना शुद्र गुणगण करना, तरह तरह से इसके अर्थ किए जाते हैं। गीता प्रेस में भी किया है गुण गण ज्ञान प्रवीणा शुद्र न, अर्थात
गुण में ज्ञान में प्रवीण होने पर शूद्र भी शूद्र नहीं रह जाता। अच्छा लगा, सही है। हमारे यहाँ ज्ञान का आदर है, हमारे यहाँ कर्म का आदर है, शरीर का आदर नहीं होता। कर्म यदि चोरी कर लिया तो कोई भी क्यों ना हो दंडनीय होता ही है। कितना भी महान से महान कुल में जन्म लिया, नशा करे शराब पिए, उसको कोई अपने पास में बैठाएगा? कोई उत्तम से उत्तम कुल का हो लेकिन व्यभिचारी हो, चरित्रहीन हो जाए तो कोई उसको उसका सम्मान तो नहीं करता। हमारे यहाँ शुरू से कर्म आदरणीय बनाता है, त्याग तपस्या त्याग महान बनाता है इंसान। कोई भी इंसान है उसके मन में यदि त्याग भाव है तो वह सम्माननीय है। चाहे कितना बड़ा धनवान हो, एक रुपया किसी को देता नहीं है, उससे कोई आदर भी नहीं करता। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृह कष्ट सिद्धन त्याग। तो दुर्वासा जो है, दुर्वासा दुःखमापन्नो, ऋषि दुर्वासा की महिमा भी भगवान ने बढ़ाई। अम्बरीश के घर में जो दुर्वासा को के बारे में लोग समझेंगे दुर्वासा बहुत छोटे हो गए, ऐसा नहीं था। ये भी एक लीला थी, भगवान की लीला विचित्र है तो भक्त की लीला भी विचित्र है, विचित्र लीला है, दोनों की लीला विचित्र है। कुछ तो बात है, इसलिए भगवान अपने भक्तों की गरिमा, अपने भक्तों की महिमा को सदा बढ़ाए। महाराज एक बात और बता करके फिर मैं प्रसन्न हूँ, वो ये है कि भगवान की कथा और भक्त की कथा दो ही की हो रही है ना। यहाँ कौन सी कथा चल रही है? भक्त की कथा। तो दोनों में अच्छी कथा कौन सी होती है आपसे कहें तो? दोनों में से कथा अच्छी किसकी है, भगवान की या भक्त की? बैठिए श्रवण करिए, किसकी अच्छी कथा है? दोनों की। हम दोनों में से चुनने के लिए आपको कह रहे हैं कि दोनों में से यदि आप एक को चयन करें तो किसकी कथा अच्छी कहेंगे? हैं? भक्त की। सही बात, सही बात। वाह, वहां जाकर बोल रहे इतने लोग, सही बात। क्योंकि बताओ भगवान की कथा तो भक्तों को अच्छी लगती है, लेकिन भक्त की कथा स्वयं भगवान को अच्छी लगती है, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सीख सकता है, नहीं लेकिन अच्छा आपकी बात सुनेंगे, एक आदमी निकल के सुन लीजिए, सुन लीजिए इनकी बात, उधर उधर बहन एकांत में बैठ के जरा अपनी बातें बता दो। आप नहीं चले मान जी, सुन जी सर बहन बता दो अपनी सारी बात, उधर जाकर के शांति से।
सारी बातें सुने, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, सब के लिए सुने। ओ तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन से धुलाना बहुत है मगर, को तन से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, बड़ी बात है, सब को जल से
किसी का जलाना सर है मगन, दिल किसी का जलाना सर है मगन, ज्ञान जी का जलाना बड़ी बात है, ज्ञान जी बस जलाना बड़ी बात है, किसी का जलाना सर है मगन, किसी का I'm
भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं भुन्वन्ति काफ्नेन निहा। भक्ति के रहस्य को अनेकों ऋषियों ने, अनेकों मुनियों ने, महात्माओं ने अनेकों बार से कहा है, अनेकों प्रकार से कहा है। स्वयं धर्मराज जिसको कहते हैं आप, धर्मराज उसी को यमराज भी कहते हैं ना, यमाचार्य, यम मतलब संयम आचार्य, वो संयम के आचार्य, उनकी नगरी का नाम भी है संयमनीपुरी, यमपुरी को संयमनीपुरी कहते हैं। वो संयम के राजा है, संयम के धनी है, संयम कोई उनसे सीखे। लेकिन जो इतने संयमित हैं, इतने धर्मात्मा हैं, धर्मराज कहे जाते हैं, उनसे भी कभी कभी, इतने संयमित हैं लेकिन उनकी वाणी भी कभी कभी फिसल जाती है। तो जो धर्मराज है यानी यमराज महोदय सूर्यपुत्र है, अत्यंत तेजस्वी है। सूर्य की पत्नी नाम है संज्ञा, संज्ञा के संज्ञा से संयम महोदय अर्थात यमराज महोदय, धर्मराज महोदय का जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है। संयम निपुरी में रहते हैं, कर्मानुसार सबको फलों का भी विधान करते हैं, सबको फल देते हैं जो जैसा कर्म करता है। पुण्यात्मा के लिए यह धर्मराज है और पापियों के लिए यह यमराज है। प्रभात में भी आजकल जो उपनिषद चल रहा है, कठोपनिषद चल रही है, उसमें भी यम और नचिकेता का सुंदर संवाद है। धर्मराज महोदय जब भगवान की भक्ति की बारी आती है तो इतने प्रसन्न होते हैं ऐसा लगता है कि ये उनके घर की बात है। और वो कहते भी हैं स्वयंभूर नारद शंभो कुमार कपिलो मनु और प्रहलादो जनको भीष्मो वयम अपने को भी सम्मिलित किया। द्वादशैते विजानीमो, सब कितने हैं? 12 है। द्वादशैते विजानी धर्मम भागवतम भटा, ये 12 हम लोग जो है भागवत भट्ट है। क्या है? हम 12 भागवत भट्ट हैं, भागवताचार्य जिसको कहते हैं, धर्म भट्ट।
मर्मज्ञ हैं, वे जानते हैं धर्म के मर्म को, जानते हैं वो, जानते हैं भगवान नाम के उच्चारण का महात्म्य क्या होता है, अच्छी तरह जानते हैं। वो कहते भी हैं नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का अजामिलोपि येनैव मृत्युं मृत्युपाशादमुच्यता। अजामिल नाम की महिमा, अजामिल एक उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है नाम की महिमा के लिए। किस तरह से उन्होंने अंतिम समय में अजामिल ने पुत्र का नाम लिया था, किसका नाम लिया था उसने, पुत्र का, बेटे का नाम था नारायण। दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चे आजुहाव कुले। बेटा को बुलाया, नारायण बचाओ बचाओ बचाओ। बेटा दूर में खेल रहा था, सुन भी नहीं पाया, बड़ा जोर से पुकारा, समीप का बेटा ही नहीं सुन पाया, लेकिन साथ में आसमान पर बैठे हमारे भक्त वत्सल भगवान, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। वैकुंठाधिपति श्रीमन्नारायण ने सुन लिया, चार चार दूत सुनते ही दौड़े चले आए, दौड़े दौड़े तुरंत आए, सहसा आए, आकर के यमदूतों को खदेड़ कर भगाया, लड़ाई हुई और विष्णु दूतों ने हरा दिया है, पीछे कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप हम लोगों को मार रहे हैं, आप लोग है कौन? कहा हम लोग विष्णु दूत हैं, नारायण के दूत हैं, क्यों? ये तो पापी है, ये तो सुरापी है, ये तो व्यभिचारी है, अनाचारी है, इन्होंने पापाचरण किया है जीवन में। कहा कि नहीं, इन्होंने अंतिम समय में नारायण का नाम किया है, ये पाप नहीं। कहते हैं कि अंत समय में इन्होंने यदि कोई भी एक या कोई भी भगवान नाम का ग्रहण कर ले तो सारे के सारे पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। वैकुंठ नाम ग्रहण अशेषाघहरम परम। चाहे कैसे भी सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभन हेलन में वैकुंठम नाम ग्रहणात् अशेषाघहरम। कोई संकेत में नाम ले, कोई हास परिहास में नाम ले, राम राम बड़ा बुरा है, राम राम निकल गया उसकी वाणी। ऐसी तरह बोलिए संकेत में, हास परिहास में ले, स्तोभन अथवा अवहेलना से ले, अनादर से ले, किसी भी प्रकार से भी नाम निकलता है, भगवान का नाम मुखारविंद से निकलता है तो उसका अशेषाघहरम परम। सारे के सारे पाप अब किसे कहते हैं पाप, कौन से पाप? न हन्यते भोगैर विना इति अघः, न हन्यते इति अघः, ऐसा पाप जो भोगे बिना नष्ट ना हो, ऐसा पाप भी भगवान नाम स्मरण से नष्ट होता है, ऐसा कठोर से कठोर पाप भी, दुर्धर पाप भी भगवान नाम स्मरण से नष्ट होता है। शरीर पांच बज रहा है ना, चबड़ गया।
मैं कभी शुरू करने जा रहा था दूसरा प्रश्न, इन्होंने इशारा ऐसे किया, हमको लगा 5 बज रहा है। मुझे लगा 5 नहीं ज्यादा बजना चाहिए। तो संक्षेप में मैं प्रसंग उठा लिया तो पूरा कर लू, अगले कल वो निषाद का प्रसंग सुनाएंगे, बड़ा सुंदर। आज हम आपको अजामिल के प्रसंग को संक्षेप में पूरा करें। अजामिल ठाकुर क्या पूर्व जन्म में क्या था, आज के प्रसंग में संक्षेप में मैं आपको बता दूं, सबको जानना चाहिए। यह पहले का एक ऋषि था पूर्व जन्म में, और जब पराशर ऋषि का नाम कभी सुना होगा, वेद व्यास जी के पिता पराशर, जब सत्यवती के साथ विहार कर रहे थे, वो घोंसला बना दिया, गुहा बना दिया, और वो नाविक की पुत्री सत्यवती, सत्यवती को अपने अनुसार बड़ा बना दिया, सिद्ध महापुरुष थे, और क्योंकि उनको पता था इस समय जो पुत्र होगा वह परम मनुष्य परम विद्वान होगा, भगवान के अंशावतार बने जा रहा है, मुहूर्त आ रहा है, त्रिकालक भी थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। सत्यवती के साथ पराशर ऋषि का जो समागम हुआ था उस पर यह जो ऋषि थे इसने बड़ा उपहास किया, तो किसी ऋषि का उपहास करना कहीं से भी सही नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से सही किया, जो भी क्या उनको लगा भाई ये भगवान का अवतार का समय है, वेद व्यास का अवतार है, श्रीहरि का अवतार है, जो व्यास पूर्णिमा अभी आने जा रही है 5 तारीख को वेद व्यास की जयंती है, उस दिन ही उनका जन्म हुआ था माता सत्यवती के गर्भ से भगवान पराशर के अंश वेद व्यास का भाव आविर्भाव आषाढ़ मास की पूर्णिमा को जन्म हुआ था, उस दिन हम लोग वो जगत के गुरु थे, इसीलिए उस दिन को हम गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाते और सब अपने अपने गुरुदेव की पूजा अर्चन करते हैं, समस्त गुरु भक्त अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं, वेद व्यास जी का उपकार कोई भूल नहीं सकता। पराशर ऋषि को सत्यवती के साथ समागम करते हुए देखा तो इस ऋषि ने बड़ा उसका मजाक बनाया, उस पर हंसे, ऋषि तो अपने उद्देश्य में सफल हुए, पराशर मुनि जो उद्देश्य था पूरा हुआ, उनको भोगप्रिय नहीं था, यह संयोग तो भारतवर्ष को एक महान विभूति को जन्म देना था, श्री हरि को प्रकट करने का समय, इसलिए लेकिन तिरस्कार उपहास अच्छा नहीं होता, पराशर ने श्राप दिया कि तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, तुम तो पूरा जीवन वैश्या के साथ ही रहने वाले, तुम्हारा पूरा जीवन तो वैश्या के साथ बीतने वाला है। पराशर ऋषि के श्राप से वही ऋषि इस जन्म में ब्राह्मण के कुल में जन्म तो हुआ, कान में कुब्ज कुले कश्चित दासी पति रजाम, अजामिल नाम रखा माता पिता ने अजामिल, इसलिए अपने बच्चों का नाम भी बड़ा संभल कर रखना चाहिए, और शाबाश करना चाहिए। नाम क्या रखा अजामिल, क्या मतलब होता है अजा, कहते माया को, जो माया में मिला हुआ है, उस समय नहीं मिला बाद में मिल गया साक्षात माया मिला, पत्नी थी पहले से, पुत्र थे, पिता थे, माता, लेकिन एक दिन पिताजी की आज्ञा से अजामिल गया वन में, जो कुछ लाने के लिए समझा दिलाने के लिए गया, लेकर के लौट कर आ रहे थे
रास्ते में उसने एक वैश्य को किसी सेठ के साथ में रमन करते हुए देख लिया। उसका आव भाव वासना को बढ़ाने वाला आव भाव ही देखा तो देख करके घर तो आया, घर आने के बाद उसके दिलो दिमाग में वही छा गया। भूलने की बहुत कोशिश की, प्रयत्न किया, लेकिन भुला नहीं पाया। फिर वापस उसके पास किसी तरह से उससे संपर्क साधने की कोशिश किया और उसके पास पहुंच गया। उसको खुश करने के लिए आए दिन अब तो घर से कुछ लेकर जाता, पिता से पैसे मांग मांग कर ले जाता, धीरे धीरे घर के सारे सामान को उसके चक्र में बर्बाद कर दिया। लोगों ने समझाया, माता पिता ने सबने समझाया, लेकिन किसी की समझाने से वह समझा नहीं। वो तो उसको हमेशा के लिए पाना चाहता था। जाकर कहा उसने तो बोली कि जिस घर में तुम्हारी पत्नी पहले से, वहां मैं कैसे रह सकता हूं। उसने कहा कि इसका भी मैं उपाय करूंगा। उसने निरपराध पत्नी को पीटा, शराब पान किया कर। देखिए शराब ब्राह्मणों के लिए शक्त वर्ज। उसने मदिरा का पान किया और जो नहीं करना चाहिए, निरपराध अनावश्यक रूप से पत्नी को पीटा। पिता से देखा नहीं गया यह सब और सबने निश्चय किया कि हम लोग घर छोड़कर चले जाएंगे। माता पिता और पत्नी घर छोड़कर चले। अब तो ये फ्री हो गया। उस वैश्य को घर में ले आया और उसको खुश करने के लिए तरह तरह से, लेकिन जब वैश्य को ले आया तो समाज वालों ने इसका तिरस्कार कर दिया, सब ने बहिष्कार कर दिया इसका। कोई यजमान नहीं रहा तो घर में धनागमन का कोई साधन नहीं रहा। फिर यह चोरी करने लगा, लूटपाट करने लगा, शिकार करने लगा। बड़ी कृपा हुई भगवान की, कालांतर में इस ऋषि का समुदाय, इस संतों की मंडली, जामात वहां पधारी उसका। ऐसा कहा जाता है स्वयं पराशर ऋषि संत को लेकर के, ऋषियों को लेकर के अपने मंडली के साथ पधारे और लोगों से पूछा कि भाई इस गांव में कोई साधक है, कोई भक्त है जो साधु संतों की सेवा करता हो। तो युवक लोगों ने मजाक किया महात्माओं के साथ, कहा महाराज एक बहुत बड़ा साधु है और खूब सेवा भी देता है, आप इधर से चले जाओ। क्या नाम है बेटा? बोले नाम है अजामिल महाराज। अजामिल महाराज, हाँ जाओ। सब संत अजामिल महाराज को खोजते उनके दरवाजे तक पहुंच गए। जैसे आया दरवाजा खटखटाया तो घर से निकली वही। उसने देखा संतों को तो माथे पे कपड़ा रखा। धन्य भाग्य है दरवाजे पर तो साधु संत, इतने बड़े बड़े ऋषि। ऋषियों को समझ में तो आ गया ये कुछ गड़बड़ लगा उनको, हम गलत जगह आ गए, लौटने लगे। लेकिन तुरंत जाकर इसने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर वंदन किया, हमारे धन्य भाग्य हैं जो आप हमारे यहाँ पधारे, यदि कुछ लिए बगैर जाएंगे तो हमारा कभी कल्याण नहीं, क्षमा करें, आप हमारे यहाँ जरूर अन्न ग्रहण। क्या ये किसी साधु का घर है? अजामिल साधु है क्या? वैश्य ने सोचा नहीं भी है तो हम बना लेंगे। संतों के दर्शन का प्रताप था, कहा कि महाराज आप ठीक जगह आए हैं, आपको निराशा नहीं हो, आप आसन ग्रहण करें। बाहर में वृक्ष के नीचे सब संतों को बिठा दिया और घर से सीधा सूखा अनाज लाला करके सब कुछ दे दिया। संत अपना बनाने लगे, नाम संकीर्तन करने लगी। इसने सोचा कि अब मैं क्यों ना जा करके उनको देखती, ये साधु समझ कर यहाँ आए तो इनको निराशा नहीं होनी चाहिए, क्यों ना मैं उनको साधु बनाकर प्रस्तुत कर दूंगी। ये दौड़ कर गई और कुछ
लाल लाल कपड़े खरीद लिए, चंदन खरीद कर ले आए और माला कंठी लेकर आ गई और गई उस राह पर, रास्ते पे जहाँ से रोज आता था वहाँ खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी। उधर से वो आया, ओ दो चार पशुओं को मार के, हिरण विरण को मार करके खून से लगा हुआ आ रहा था, ठहरो ठहरो सब फेंको। उसे फेंकवाया, साफ सुथरा करवाया शरीर को, लाल लाल कपड़ा बनाया, चंदन तिलक कर दिया। कभी देखो घर में साधु आए हुए हैं, बड़ा सौभाग्य है। अच्छा, वो पत्नी की बात मानता था, आज्ञाकारी था जी, तो उनका स्वागत करना है। हाँ करूँगा। अच्छा तो वो लोग कुछ माल लेकर आए हैं कि खाली पोकट का आए हैं? फकीर है। पत्नी समझेगा अभी भी ये गलत सोच रहा है, कहा देखो ये सब छोड़ो, उनका स्वागत करना, माला पहनाना, भक्त बनकर आना सामने। भक्त बनोगे ना? हाँ हाँ बनूंगा। तो तुम भक्त ऐसे लग रहे हो, लेकिन क्या बोलोगे? भक्त वाला वचन बोलना, क्या बोलोगे बोलो। क्या बोलूंगा महाराज? आप जो है आप सब बड़ी कृपा की जो हमारा दर्शन प्राप्त किए, आप सब हमारे भक्त, हम आपके स्वामी, आप सब दर्शन करके कृतार्थ हो गए हमारा। वो समझ गए कि अभी इसका नशा उतरा नहीं, ये मदिरा पिया हुआ है, ये सब गड़बड़ कर देगा। भाई काम करो, तुम तो मौनी बाबा रहो, मैं सब संभाल लूंगी। मूर्खों को चुप रहना जरूरी है। पत्नी ने कहा कि तुम चुप रहना, ठीक है जैसा तुम कहो वैसे ही करूंगा। बड़ा सुंदर प्रस्तुत किया, सबको प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम करवाया, संतों ने आशीर्वाद दिया, भक्त समझ लिया संतों ने। और संतों ने कहा कि देखो, संत समझ गए कि ये तो सब मामला पूरी तरह से, संत से कुछ छुपा नहीं रहता, एकदम सब समझ गए। लेकिन इसकी भक्ति से, जो संत के दर्शन से इसके अंदर भक्ति जगी, वैश्या के अंदर उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा को देखकर संत उठे। संतों ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु हमने इसका प्रसाद पाया है, आपको भोग लगाकर पाया है, तो अब ये भक्त हो गया, अब इसकी भक्ति को बढ़ाना आपका काम है, इसका कल्याण करना भी आपका काम है, इसका उद्धार होना चाहिए। ये मेरे सामने भक्त बनकर आया है, आप कृपा करिए ये हमेशा हमेशा के लिए भक्त बन जाए, भक्त ही बना रहे। और बड़ा सुंदर दे दिया, कहा कि देखिए अब जो जाते समय कहा कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, इसी से तुम्हारा कल्याण। अब जैसा जैसा रोगी वैसी दवा होती है, उसके लिए इतना ही काफी था, क्योंकि उसके राम राम तो होता ही नहीं उससे, जब ध्यान उससे होने वाला नहीं था, समझ में आ गया। तो जो वो कह कर सकता था, बेटा का नाम तो सब कोई ले सकता था, चलो पुत्र का नाम नारायण रख लेना, इसी से तेरा कल्याण होगा। और सचमुच में ऐसा ही हुआ, उसने अपना अपने बेटे को पुकारता था, नारायण 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 करता था। और एक दिन उसका अंतिम समय में वह पुत्र को ही पुकार रहा था, और पुत्र को पुकारने से भगवान की कृपा हुई, भगवान के गण आए और भगवान के गणों ने उनका कल्याण किया। अजामिल ने अंतिम समय में आंखों से देखा, विष्णु दूतों को और यमदूतों को भी देखा, किस तरह से मैंने जानबूझकर तो नहीं, अनजाने में नारायण नाम लिया और मेरा कल्याण हो गया, मुझे नरक में जाने से, यमराज के घर में जाने से बचा लिया गया, अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा, अब मैं सब पापों का प्रायश्चित करूंगा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वह भजन करने लगा, सारा पाप कर्म छोड़ दिया, पत्नी ने भी साथ दिया और दोनों का कल्याण। पुत्र को घर सौंप करके दोनों निकल गए भजन करने,
10 पुत्र थे, छोटे पुत्र का नाम था नारायण। कैसे भी भगवान का नाम यदि कोई लेता है तो हर प्रकार से उसका कल्याण होता है, यही कहना था। आपको बता रहे स्वामी जी, लुटेरा था लुटेरा। नारद जी ने पूछा, क्या करते हो, कहाँ रहते हो? का बने च राम नदीं तराम, वन में रहता हूँ, नदी पार करता हूँ, इस पार से उस पार जाता हूँ। धनम हराम न भयम स्मराम, लोगों का धन लूटता हूँ, डरते नहीं हो, न भयम स्मराम, डरता नहीं। मर गया वह धर्मराज के बाप, प्रस्तुत हुआ का इसने 4 बार नाम लिया है राम जी का, अंतिम दिन लिया, उसका बड़ा पुण्य मिला उसको। कहा व्रत नेम गजेंद्र करियो, कहा वेद पुराण पढ़ी गणिका, अजामिल कौन अचार करो, निशिवासर खान सुरापनिका। कहा जप जाग ही गिद्ध कियो, सुहतो बन जीवन को हनिका, तुलसी अघ पर्वत कोटि जरे, हरिनाम हुतासन को कनिका। हरिनाम रूपी हुतासन अर्थात अग्नि, हरि नामाग्नि यदि जिसके पास हो जाए, जिस दिन मुखारविंद पर हरि नामाग्नि जलने लग जाए, उसके अंदर के पापों के पहाड़ भी जलने लग जाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आज के सत्र को विश्राम देता हूँ। इस प्रकार भगवान के भक्ति की महिमा है। इस धन्य राभा भारते के आरती आरते हरे, इस धन्य राभा आरते आरते, यह भक्त भगवत की कथा स
देवाभिवंदनम आत्माभिवंदनम आरोग्यार्थे आरार्तिक्यं शमर्पयामि।